हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा, पिछला वीडियो जिसका टॉपिक था कि कहानी स्टार्ट कैसे करें, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कहानी का स्टार्ट कैसे करना है और आप में से कई लोगों ने कहानी लिखना शुरू किया होगा। और आज का जो वीडियो है उसका अगला स्टेप कि अगर कहानी बीच में रुक जाए तो क्या करें। आज का जो क्वेश्चन है यही है, कितने लोगों का होता है कि कहानी स्टार्ट तो हो गई लेकिन कहानी बीच में जाके रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही, समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या लिखे, डायलॉग्स नहीं आ रहे, स्टोरी नहीं समझ में आ रही, आगे क्या करें, कहानी बीच में रुक जाती है। तो अगर आपकी कहानी बीच में रुक जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कहानी बीच में रुक गई है तो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि एक कहानी लिखना जब हम शुरू करते हैं तब आपको एक रफ पेपर बनाना होगा, एक रफ पेज बनाना होगा जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे आप कहानी किस विषय पर लिख रहे हैं, आप कहानी में दिखाना क्या चाहते हैं, मेन आप कहानी में क्या दिखा रहे हो, सबसे पहले वो सेंटेंस एक लिखो कि आप कहना क्या चाहते हो अपनी कहानी में। दूसरा, आप किसके माध्यम से कह रहे हो, आप कौन से कैरेक्टर के माध्यम से कह रहे हो, परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये चीज़ें आप एक पॉइंट करेंगे, एक पॉइंट जो रफ पे आपने लिखा हुआ है। अब जब कहानी आपकी स्टार्ट हो गई है, आगे बढ़ चुकी है, बीच में रुक गई है, तो आप क्या करेंगे, अब आप अपना वो रफ पेज निकालेंगे जिस पर आपने सब कुछ लिख के रखा है। अब आप देखिए कि आपने जहाँ तक कहानी अपनी लिखी हुई है, जहाँ आपकी कहानी रुकी हुई है, उसमें आप जो अपनी कहानी में कहना चाहते हैं वो कैसे ऐड किया जा सकता है। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने अभी तक की जो कहानी लिखी है क्या वो यही लिखी है जो आप अपनी कहानी में कहना चाहते हैं, जो आपने रफ पेज पर लिख के रखा है कि मुझे इस कहानी को ये बात इस कहानी के माध्यम से कहनी है। चलो जॉनर तो फाइनल किया ही था कि ये कॉमेडी है, रोमांटिक है, हॉरर है, क्या चल रहा है, लेकिन जॉनर तो फाइनल है, हम चलो उसी जॉनर में लिख रहे हैं, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं क्या हम वहीं टिके हुए हैं, वही चल रहा है। अगर वही चल रहा है तो अब आप अपने फिर से उसी रफ पेज पे एक आकार दीजिए कि आप अपनी कहानी का अंत कैसे करना चाहते हैं। कहानी स्टार्ट तो हो गई, कहानी का अंत कैसे होगा ये आप डिसाइड करके रखो कि फाइनली आप क्या दिखाना चाहते हो अपनी कहानी में। आप इस कैरेक्टर का मतलब बहुत अच्छा रूप दिखा रहे हो, विलन सुध जैसे होता है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक विलन है, तो कभी हम देखते हैं किसी मूवी में कोई विलन होता है वो लास्ट में सुधर जाता है, वो माफ़ी मांगता है और कहानी ख़त्म होती है कि वो ना हैप्पी एंडिंग और लोग वो सुधर गया। एक कहानी होती है जिसमें विलन मार दिया जाता है, तो कई कई तरह से एंड होता है। तो आप ये डिसाइड करो कि आपकी कहानी का एंड क्या होगा। स्टार्ट तो चलो आपने कर लिया, कहानी बीच में रुकी, एंड क्या होगा ये रफ पे आप लिख लो। अब आपके पास, जब आपने एंड लिख लिया, अब आपके पास स्टार्ट है, आपके पास एंड है, अब करना क्या है आपको, अब आपको अपनी कहानी वापस से पढ़नी शुरू करनी है। जोर से पढ़िए, बोल के पढ़िए, अपनी कहानी खुद पढ़िए और उसके बाद आपको एक क्लू मिलेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा मुझे एंड तो यहाँ करना है और मेरी कहानी यहाँ तक पहुँची, तो कहानी अपने आप आगे बढ़ेगी। अगर वो पार्ट नहीं समझ में आता वापस फिर से पढ़ना शुरू करिए। जैसे ही आप अपनी कहानी पढ़ेंगे आपको आगे की कहानी अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगी। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगी दावे के साथ कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपकी कहानी रुक रही है तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कर लिया और आपने अपना एंड एक प्रॉपर उसी रफ पेज पे, पहले तो आप ये देख लो कि जो आप कहना चाहते हो अपनी कहानी में वही चल रहा है ना, वही तो चल रहा है, और किसके माध्यम से कह रहे हो, अगर जिस कैरेक्टर के माध्यम से कर रहे हो उसका अपने अभी तक स्टोरी में दिखाया क्या, वो कैरेक्टर कैसा है, विलन है तो कैसा है, हीरो है तो कैसा है, क्या चल रहा है उसमें, वो दिखा लिया तो एंड डिसाइडेड है, स्टार्ट हो गया, हमें पता है हमें कहानी में कहना क्या, तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आप अपनी कहानी फिर से शुरू करिए पढ़ना और कहानी अपने आप आपकी आगे बढ़ने लगेगी। डायलॉग्स ऐड करिए, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी डायलॉग्स, बाकी तो हम अपने फुल क्लास जो राइटिंग की का कोर्स करते हैं उसमें हम प्रॉपर एक स्टोरी राइटिंग सीक्वेंस में समझाते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं जितना समझा सकती हूँ मैं आपको उतना समझा रही हूँ, हालांकि आप जब फुल कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से उस चीज़ को
आप समझ पाएंगे। तो अभी का जो वीडियो था कि कहानी अगर बीच में रुक जाए तो क्या करें, तो क्या करें, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आप ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी कहानी जरूर आगे बढ़ेगी और ये समस्या फिर से आपको नहीं आएगी। आगे वही स्टोरी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।